यहाँ रखते हैं। अरे हमारा शेवर है जो के भाग रहा है यार, ये देखो कैसे भाग रहा है। मिनी शेवर आजकल मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट में स्पेशली, वो एक छोटी सी मशीन जो कि शेवर के नाम से, मिनी शेवर के नाम से है, वो अनबॉक्स करने वाले। और कुछ ऐसी रियलिटी जो कि लोग समझते कुछ हो रहे हैं लेकिन रियलिटी वो कुछ और चीज़ है। सबसे पहले हम अनबॉक्स करते हैं। आई ऑर्डर फ्रॉम दराज, तो लेट्स ओपन दिस। तो हमारे यहाँ पर हमारी मशीन है, इसकी हमें ज़रूरत कोई नहीं। तो अगर पैकिंग की बात, मतलब कि जल्दी जल्दी वीडियो से बना रहा हूँ ताकि यार पॉइंट पे बात करें जस्ट, और जो वो चीज़ें जो कि मार्केट में कुछ और तरह से बयान की जाती हैं वो आपको मैं बता सकूं। तो ये यार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर आप ये चीज़ ले रहे हो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। फ्रंट में देखें तो मिनी पॉकेट फैशन शेवर और इसकी फोर कलर जो कि ब्लू, ग्रीन सा आ रहा है, ब्लैक एंड ग्रे है, तो ये ग्रे कलर में है। उसके अलावा यहाँ पर दोबारा से वही नाम बैटरी पे है और टाइप सी चार्जिंग में आपको गिवन दी जाती है। साइड पर देखें तो ये चारों कलर्स के दिए गए हैं, ब्लू, ग्रीन, सिल्वर एंड उसके अलावा यहाँ पे डेडिकेटेड एंड पोर्टेबल है, छोटा सा है, सॉफ्ट ट्रिम है, टाइप सी चार्ज होती है, 6 लेवल ब्लेड है इसके, एक 4 ब्लेड में भी आई थिंक सो आता है। बैक पे देखें तो सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह इसमें दी गई है कि कैसे है, क्यों है। और लेट्स ओपन दिस। तो बॉक्स तो खैर इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसको यहाँ रखते हैं। अरे हमारा शेवर है जो कि भाग रहा है यार, ये देखो कैसे भाग रहा है। लुक की बात करें तो आई थिंक सो ये मुझे लाइक प्लास्टिक का है, लेकिन इस तरह से आपको एक ऑप्शन देता है लाइक ये जैसे सिल्वर का हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। कोई यूज़र मैनुअल वगैरह इसमें नहीं आता, ठीक है। टाइप सी की डेटा केबल आपको देखने को मिल जाती है और साथ में हमें यहाँ पर हमारा शेवर, मिनी शेवर जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर जो है कैप है, ठीक है, कैप आपने रिमूव करनी है, उसके बाद आप शेवर जो है वो काम करेगा। अब ये इसकी कैप है। लुक की बात करें काफ़ी प्रीमियम लुक है यार इसकी और बहुत अच्छा है। अच्छा, जो दराज पे जो मैंने देखे ना रिव्यूज़ जो उसके हैं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन यार दरअसल ना बात ऐसी है कुछ के, ये ट्रिमर जो है ना आपके इन बालों के लिए होता है। अगर आपने दूसरा ट्रिमर देखा, मैं यहाँ पे वीडियो में मेंशन भी कर दूंगा, मैंने ला के आपको जब मैं बाल कटवाने गया था तो वहाँ से मैंने बोला यार ये जगह छोड़ देना, तो इसीलिए था कि मैं आपको बता सकूँ ये ट्रिमर और जो पुराना वाला ट्रिमर है उनमें क्या डिफरेंस है। ये क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा साफ कर देता है, ये जो जगह हैं एक तो छोटा भी है, क्लैरिटी भी ज़्यादा, और जो दूसरा वाला है थोड़ा पुराना है, काम दोनों का सेम ही है लेकिन पॉकेट साइज है, छोटा साइज। अब अगर देख सके मेरे हाथ में आ रहे हैं। और इसकी वर्किंग वर्क की बात करें ना यार, मैं यूज़ कर चुका हूँ, ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का है। और दराज के इस टेलर से मेरी बात हुई है यार, मैंने बोला इतने रिव्यूज़ आपके जो हैं वो नेगेटिव में क्यों जा रहे हो, तो उसने यार बोला कि बात कुछ ऐसी है कि कुछ लोग हैं दराज पे जो कि सेल आउट करें अब प्रोडक्ट, अब दराज पे इस तरह से प्रोडक्ट सेल करें लाइक ये दाढ़ी है ना, यहाँ से यहाँ पर दाढ़ी पूरी है और यहाँ से ये मशीन इसने दिखाई हुई है कि यहाँ पर लगा रहा है और ये जगह बिल्कुल क्लियर कर दी। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि यार ये जो प्रोडक्ट है ना ये इतनी दाढ़ी नहीं ख़त्म करता, छोटे बारीक बाल जो होते हैं लाइक ये स्पेशली फॉर गर्ल्स रिकमेंडेशन 100% है उनके लिए, क्योंकि ये उनके लिए प्रोडक्ट परफेक्टली है, बैठता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला मैं, तो ये जो हमारे छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं ना आपको, ये इसके लिए काम करता है, ना कि मोस्टली लोग जो इसलिए इसको परचेज़ करते हैं कि हमारे बड़े बाल जो हैं इसको ट्रिम कर देंगे। यार क्या है यार, अब इसकी वर्थ की बात कर लेते हैं। तो यार वर्थ से पहले इसकी और चीज़ें बता देता हूँ। ये आपको लोहे का मिलता है, अगर आपने इसको साफ़ करना हो इसको निकालें, यहाँ से आप सिंपल इसको फूक लगा सकते हैं, लाइक पाकिस्तानी जो है वो फूके मारते हैं इसको, और ब्रश लेके इसको क्लियर करें, ठीक है, ब्लेड जो है इसको क्लियर करें, वापस इसको रखें आप। अगर इसको इसको करते हैं तो देखें ये मशीन यहाँ पर काम कर रही है। अब यहाँ पर रख के दोबारा आप इसको वापस बंद कर दें, ज़रा ध्यान से खींचिएगा, तो ये हमारी बंद हो गई और ये हमारी मशीन जो है वर्कआउट करना शुरू हो गई। टाइप सी की चार्जिंग है जो कि जाहिर सी बात है यार जल्दी आप चार्ज करते हो। आप टाइम देख लेते हैं इसकी चार्जिंग का कि कितना टाइम आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो जिसका चार्जिंग टाइम है वो 60 मिनट्स है, तो 60 मिनट्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना क्योंकि छोटी बैटरी इसमें होती है, अगर ज़्यादा चार्ज करोगे तो ये फैल जाएगी। अब आते हैं प्राइस टैग पे। तो मार्केट में आपको डिफरेंट प्राइस टैग के थ्रू मिल रही है ये। आप अगर दराज से ख़रीदते हैं तो आपको 1050, 1200
इस तरह से बिट डिलीवरी पड़ रही है, और प्रोडक्ट की जो अपनी प्राइस है दराज पे वो 900, 950 डिफरेंट प्राइस टैग मिल रही है। तो एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, दराज का स्टोर है, वहाँ भी आप अगर ऑर्डर करना चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। एक लोकल जो कि फेसबुक पेज वगैरह से है, सेम ही बंदा है, दराज से ही बेच रहा है और स्टोर भी उसका फेसबुक पे है, बिल्कुल रिसेंटली आए और काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट जो है वो अभी अपनी मार्केट में ला रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली उनसे ख़रीदेंगे ना फेसबुक पेज के थ्रू, तो आपको कम प्राइस में मिलेगी विद डिलीवरी। अगर आप दराज से ख़रीदेंगे तो आपको यही प्रोडक्ट विद डिलीवरी, क्योंकि दराज का कमीशन वगैरह बीच में होता है और वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। लेकिन ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है ना, इतने बड़े बालों के लिए ये नहीं होती, ठीक है। अब ये जिस वजह से मेरे छोटे बाल हैं ना, इसको लुक लाइक मैं ट्रिम करता हूँ, ठीक है। अब ये जो मेरे इसने ऊपर वाले बाल हैं ना, बिल्कुल 100% जो है ना मेरे बाल इसने काट दिए, आवाज़ भी आपको आ रही होगी, ठीक है। ये इसलिए होता है ना कि आपके जो वो बड़े बाल होते हैं लाइक दैट, इसके लिए होता है। तो लोग यार कंफ्यूज भी हैं और गलत बयानी करके भी प्रोडक्ट अपना दराज से बेच रहे हैं, तो यार ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये प्रोडक्ट जो है इन बालों के लिए नहीं है, इन छोटे जो बाल हैं हमारे इनके लिए। तो जो दराज पे बेचारे सेलर्स मैं देख रहा हूँ, नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो यार क्या करे पाकिस्तानी हो तुम लोग यार, थोड़ा माइंड सेट लगाओ कि ये छोटा सा प्रोडक्ट 800-900 रुपये का प्रोडक्ट आपके ये बाल भी काटेगा। खैर वो दूसरी मशीन होती है विंटेज T9, ठीक है, वो आपके जो ये बाल है वो ये वाले काटती है, लेकिन ये ट्रिमर होता है, ये आपके छोटे जो बाल यहाँ पर होते हैं ना, ये इनको रिमूव करने के लिए, ना कि आपकी दाढ़ी रिमूव करने के लिए। और दराज पे जो यार ये परचेज़ करके रिव्यूज़ दे रहे हैं कि यार ये मेरे बाल नहीं काट रहा, मेरी दाढ़ी नहीं काट रहा, मैंने रिव्यूज़ देखे हैं यार, मैं जस्ट एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल 80-90% रिव्यूज़ इस प्रोडक्ट के गलत हैं, क्योंकि लोग एक तो दराज पे भी बेच रहे हैं और लोकल जो बेच रहे हैं ना, वो एक गलत बयानी करके बेच रहे हैं कि उन्होंने पिक्चर कुछ इस तरह की लगाई है, यहाँ से यहाँ पर जो है बिल्कुल क्लीन शेव, और यहाँ से यहाँ पर दाढ़ी है, और साथ में मशीन है, भाई यहाँ पर लगाओ तो आपके पूरे बाल कट जाएंगे। तो इस तरह से नहीं होता, जो भी प्रोडक्ट आप बेचो ना यार, उसको सही से बेचो, सच बता के बेचो, ताकि यार जो कस्टमर है वो आपको रिटर्न ना करे। और ये रिटर्न करें यार, थोड़ा माइंड आप भी लगा लो, अगर आप एक चीज़ ऑर्डर कर रहे हो तो पुराना ट्रिमर है उसको रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, ना कि आपकी ये वाली दाढ़ी काट रहा है। तो यार ओवरऑल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रिमर पिछले वाला जो हमारे प्रीवियस ट्रिमर्स हैं ना, उनसे लाखों दर्जे बेहतर है। एक तो छोटा सा है, लुक भी इसकी अच्छी है, परफेक्टली हमारे काम को करता है। पिछले वाले ट्रिमर से ना ये ट्रिमर ज़्यादा वर्कआउट करता है, क्योंकि यार मेरी तो दाढ़ी भी कुछ माशाल्लाह ऐसी है कि यहाँ पे बाल जो है ना हर हफ्ते बड़े बड़े हो जाते हैं, और मैं इस चीज़ को एनालाइज भी कर रहा था कि यार मंगवा के, एक पहले ही मंगवाई थी मैंने, तो ये काम करे और अच्छा काम करती है, प्रीवियस वाले हमारा जो ट्रिमर है ओल्ड वाले उससे ज़्यादा बेहतर काम करी है। तो यार ये भी आज ही हमारी वीडियो, होप सो कि बहुत सी चीज़ें मैंने क्लियर आउट कर दी होंगी और आपको भी ये माइंड में पड़ गया होगा कि यार जो आप ऑर्डर कर रहे हो किस लिहाज से ऑर्डर कर रहे हो, ये वाली दाढ़ी काटने के लिए या फिर ट्रिमर, अगर ट्रिमर के लिए करो बेस्ट है यार, कमाल की प्रोडक्ट है, छोटा सा है और बेस्ट है। तो प्रोडक्ट बाय करना तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों दे दूंगा, लोकल भी, फेसबुक पेज का भी और दराज का भी, वहाँ से आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, होप सो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर आउट हो गई होंगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।